नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1660 नए मामले सामने आए हैं और 2349 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कोरोना से कुल रिकवर होने वालों की संख्या 4,24,80,436 हो गई है। युद्ध के तीसरे दिन रूस ने यूक्रेन के कीव, मैरियोपोल समेत कई शहरों में जबरदस्त हवाई और मिसाइल हमले किए हैं। रूसी सेना ने कीव के बाहर स्थित एक महत्वपूर्ण तेल डिपो को मिसाइल हमले से उड़ा दिया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर सत्र के दौरान दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल के दिए गए बयान को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों को लेकर लगातार मजाक करना बंद करना चाहिए। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सीएम केजरीवाल ने सत्र के दौरान कहा था कि भाजपा के नेता लगातार फिल्म द कश्मीर फाइल्स के प्रचार कर रहे हैं और फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की किसी भी तरह सरकार का ये संभवत सबसे भव्य शपथ ग्रहण समारोह था। राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी लगातार दूसरी सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजनीति से लेकर कारोबार क्षेत्र तक के दिग्गजों की उपस्थिति में उत्सव का माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए शुक्रवार का दिन बेहद अहम रहा। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण की। उनके साथ ही उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए 52 मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। वहीं शपथ ग्रहण करने के साथ ही योगी सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और एक बार फिर से सीएम योगी के नेतृत्व में कामकाज पूरे जोश के साथ शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन रूस अभी यूक्रेन को जीत नहीं पाया है। यूक्रेन के कई शहर अभी रूसी सेना की पकड़ से दूर है। इस दौरान मॉस्को की सेना को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। अब खबर है कि रूस डोनबास एरिया में जॉर्जिया से सैनिक भेज रहा है। इस बात का दावा अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने किया है। अमेरिकी अधिकारी का कहना है कि उन्हें इसके संकेत मिल रहे हैं। इसरो ने साल 2021 में 7,600 से अधिक ऐसी घटनाओं की निगरानी की है जहां अन्य वस्तुओं के भारतीय उपग्रहों से टकराने का खतरा था, लेकिन इनमें से सभी मामलों में इसरो की तरफ से कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं थी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए ऐसे सभी वस्तुओं की निगरानी करती है जो उपग्रहों के लिए नियमित रूप से टकराव का खतरा पैदा कर सकती है। मुकेश अंबानी के भाई और अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी ने शुक्रवार को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। रिलायंस पावर ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा है कि गैर कार्यकारी निदेशक अनिल डी अंबानी सेबी के अंतरिम आदेश के बाद कंपनी के निदेशक पद से हट गए हैं। यूक्रेन में अचानक हमला करने के एक महीने बाद ही रूस ने अपनी रणनीति में अब आश्चर्यजनक बदलाव की घोषणा की है। रूस का कहना है कि वो अब विद्रोही प्रभुत्व वाले डोनबास क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऑपरेशन के पहले चरण के मुख्य उद्देश्यों को आमतौर पर पूरा किया गया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता काफी कम हो गई है, जिससे मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने पर हमारे मुख्य प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना संभव हो गया है। आसिफ अली जरदारी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी सहयोगी पार्टी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को 28 मार्च को पीएम इमरान खान के खिलाफ होने वाली रैली को स्थगित करने के लिए कहा है। पीपीपी ने कहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए और इस रैली को रोक देना चाहिए। शनिवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में फिर से 80 पैसे की प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ पिछले 5 दिनों में ईंधन की कुल 3.20 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो गई है। नए रेट लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर पर बेचा जाएगा। 84 पैसे की वृद्धि के बाद पेट्रोल की कीमत 113.35 रुपए होगी और आर्थिक राजधानी मुंबई में 85 पैसे की बढ़ोतरी के बाद डीजल 97.55 रुपए में बेचा जाएगा। मुंबई में कीमतें अभी महानगरों में सबसे अधिक है। अडानी पावर के स्टॉक में इन दिनों गजब की तेजी देखी जा रही है। कंपनी के शेयर शुक्रवार को कारोबार के अंतिम दिन तकरीबन 9% उछलकर बंद हुआ है। 23 मार्च से ही कंपनी के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। ये शेयर सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में 14% तक उछल गए हैं। नेशनल पीपल्स पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मावलाई एमडीसी तोई बोरलॉन्ग पाथव को अपने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला लिया है। मावलाई एमडीसी इंडोर स्टेडियम मावलाई मावदत बाकी में आयोजित एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप से एनपीपी में शामिल हो गए। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 25 मार्च से 29 मार्च तक अगले 5 दिनों के दौरान बारिश और गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में भीगने की संभावना जताई जा रही है। एमडी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्के से मध्यम तीव्रता की काफी व्यापक बारिश हो सकती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अब प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। पहले की ही तरह अब डीयू में कट ऑफ अंकों के आधार पर एडमिशन नहीं होगा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कैंडिडेट का 12वीं पास होना जरूरी है, साथ ही उसे CU CET परीक्षा भी निकालनी होगी। इन दोनों अहर्ताओं को पूरा करने वाले छात्र डीयू में एडमिशन ले सकते हैं।
रूस ने यूक्रेन में 24 फरवरी को मिलिट्री अभियान की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बैठक हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में व्हाइट हाउस की तरफ से शुक्रवार को कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थिति असंतोषजनक रही है, लेकिन रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए यह आश्चर्यजनक भी नहीं है। रूस के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों का लोगों की नजरों से गायब होना इस बात के संकेत दे रहा है कि रूसी सरकार यूक्रेन में सैन्य विफलताओं के लिए उन्हें बलि का बकरा बना रही है। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनियोवोल ने कहा है कि यूक्रेन और प्रवारा की रिपोर्ट के अनुसार रूसी अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जोखिम भरे यूक्रेन में युद्ध में प्रवेश करने के लिए कौन दोषी है, जबकि हमारे देश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंदी आर्थिक तंगी से जूझ रहे सुपरटेक को शुक्रवार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्जदाताओं को ईएमआई नहीं देने पर एनसीएलटी ने दिवालिया घोषित कर दिया है। एनसीएलटी के इस फैसले के साथ ही 25,000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों की टेंशन बढ़ गई है। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान अरुणाचल प्रदेश में सहायक प्रोफेसर के 30 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश ने विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को संसद को बताया है कि सरकार फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए आधार को मतदाता सूची से जोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने एक राष्ट्र एक मतदाता सूची पर भी जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार विदेशों में काम करने वाले भारतीयों को ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा देने पर विचार कर रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिका ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों ने तमाम प्रतिबंध लगाए हैं। हाल ही में ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने भी रूसी बैंक समेत कई संस्थानों पर प्रतिबंध की घोषणा की है। यह अलग बात है कि वो रूस में भारतीय कंपनी इन्फोसिस में अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति की हिस्सेदारी को लेकर के घिर गए हैं। उन पर अपनी पत्नी के इन्फोसिस लिंक के जरिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फायदा उठाने के आरोप लगाए गए हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर एक महीना बीत चुका है, लेकिन यूक्रेन पर रूसी सेना का आक्रमण लगातार जारी है। कई यूक्रेनी शहर हमले में पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख दिमित्री मदवेदेव का बयान सामने आया है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि यह विश्वास करना मूर्खतापूर्ण है कि रूसी व्यवसायों के खिलाफ पश्चिमी प्रतिबंधों का मॉस्को सरकार की तरफ से कोई प्रभाव पड़ सकता है। पंजाब में धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी के कई मामले सामने आए हैं। ये पंजाब विधानसभा चुनाव के मुख्य मुद्दों पर शामिल विषय रहा था। सभी पार्टियों ने इस मुद्दे पर कार्रवाई की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल ने तो महज 24 घंटे में संदिग्धों को गिरफ्तार कर मामले को हल करने की बात कही थी। अब यही बात नवजोत सिंह सिद्धू ने पकड़ ली है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान ट्विटर पर शेयर कर उन पर जोरदार हमला बोला है। पूछा कि किसने आपको हाथ पकड़े हैं जो अब तक इन मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है। भारत चीन को लेकर सतर्क है। भारत चीनी सेना की हरकतें भी जानता है, उसकी आदतें भी। एलएसी पर निर्जन इलाकों में अक्सर चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें भी अब अतीत की बात हो जाएंगी, क्योंकि भारत अपनी सीमा पर निगरानी व्यवस्था को बेहद मजबूत कर रहा है। इसके अलावा आधारभूत ढांचे को मजबूत करते हुए भारत सीमा इलाके में तेजी से सड़कों का जाल बिछा रहा है। यही नहीं, एलएसी पर मजबूत चौकसी हो इसके लिए 47 नई सीमा चौकियों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि चीन की सेना सीमा को पार करने की हिमाकत न कर सके। दिल्ली सरकार साल वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट आज दिल्ली विधानसभा में पेश करती देखी गई। दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया सुबह 11 बजे दिल्ली का बजट पेश करते देखे गए। पिछले साल की तरह इस साल भी मनीष सिसोदिया टैबलेट के जरिए बजट पेश करते देखे गए, जबकि इस दौरान सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध का लगभग एक महीना हो चुका है। इस युद्ध ने अमेरिका समेत नाटो देश को एक तरफ लाकर खड़ा कर दिया है, तो रूस को लेकर भी लामबंदी हुई है। वैश्विक स्तर पर इस तनातनी के बीच उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की तरफ से एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इसके जवाब में दक्षिण कोरिया के सशस्त्र बलों ने गुरुवार को उत्तर कोरिया के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में अपने कुछ प्रमुख मिसाइलों को शामिल करते हुए एक संयुक्त लाइव फायर अभ्यास किया। जाहिर है खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण से कोरियाई देशों में भी तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा है कि केंद्र विदेशों में काम कर रहे भारतीयों को ऑनलाइन मतदान का अधिकार देने पर विचार कर रहा है। रिजिजू ने कांग्रेस सदस्य के मुरलीधरन द्वारा उठाए गए प्रवासी वोटिंग अधिकारों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने पहले ही चुनाव आयोग से कहा है कि हम प्रावधान करेंगे, सुझाव देंगे कि हम देश से बाहर रहने वाले अपने लोगों को वोट डालने की अनुमति कैसे देंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि आने वाले समय में B2 की संभावित लहर को देखते हुए 55 वर्ष से ऊपर की आयु वर्ग के सभी अमेरिकी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज दे दी जाएगी। फार्मा कंपनियां फाइजर और मोडर्ना पिछले कुछ समय से इस कोशिश में थी कि ओमिक्रॉन B2 की संभावित लहर से पहले कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर डोज दे दी जानी चाहिए। शेयर बाजार के छोटे निवेशकों के लिए अच्छी खबर आई है। बाजार नियामक सेबी ने छोटे निवेशकों को राहत देते हुए UPI के जरिए डेट सिक्योरिटीज में निवेश की लिमिट बढ़ा दी है। यानी अब इसके तहत अब खुदरा निवेशक UPI के जरिए डेट सिक्योरिटीज के पब्लिक इश्यू में 5 लाख रुपए तक निवेश कर सकेंगे। आपको बता दें कि अब तक ये लिमिट 2 लाख रुपए थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 3 अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के 2 मामले दर्ज किए हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि पहला मामला IOCL के महाप्रबंधक रिटेल के खिलाफ दर्ज किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस साल खेले जाने वाले IPL में किस टीम के जीतने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।